हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीए पार्ट फर्स्ट के लिए है, फर्स्ट पेपर के लिए, और उसका जो विषय है वो है राजनीतिक सिद्धांत का पुनरोदय। ये उस राजनीतिक सिद्धांत के हास से संबंधित जो भी हमने पिछले दो लेक्चर्स में चर्चा की थी उसके पश्चात जो निष्कर्ष निकल के आया वो आज मैं आपके सामने, हम इसके संबंध में चर्चा करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत का पुनरोदय से आशय यह है कि व्यवहारवादियों के द्वारा, डेविड ईस्टन के द्वारा, कोबांग के द्वारा ये माना गया कि राजनीतिक सिद्धांत, जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, वो पतन की ओर अग्रसर है और अब प्राचीन तरीके के जो या परंपरागत तरीके के सिद्धांत निर्माण अब लगभग बंद हो गए हैं और उनका अंत लगभग हो चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको दूसरे लेक्चर में बताया था, स्वयं 1960 के बाद डेविड ईस्टन ने स्वीकार किया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों का अंत नहीं हुआ है। कुछ समय के लिए यह रुक गया था, लेकिन परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत आज भी अपनी उपयोगिता रखे हुए हैं और आज भी अस्तित्व में हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की जो अध्ययन पद्धतियां थी उसमें आकर्षित करने वाली चीज़ ये थी कि उसमें दार्शनिकता का और एक कल्पना का समावेश था, जिससे कि राजनीति विज्ञान को समझने में, विचारधाराओं को समझने में बहुत मदद मिलती थी। लेकिन व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने इस तरह की पद्धति को नकार के व्यवहार व परक अध्ययन या अनुभाविक अध्ययन पर जोर दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात ही उनको ये महसूस हो गया कि वो उस तरह के सिद्धांत नहीं बना पा रहे हैं जिस तरह के सिद्धांत परंपरागत राजनीति विज्ञान में बनाए गए। आज भी प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, इनके सिद्धांतों की बराबरी कोई भी अनुभाविक राजनीतिक सिद्धांत नहीं कर पाया है। इसकी प्रमुख कारण ये है कि अनुसंधानकर्ता और आंकड़ों में घनिष्ठ संबंध हो ये जरूरी नहीं था, क्योंकि ये ऐसा माना गया कि ये जरूरी नहीं है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांती ये मानते थे कि अनुसंधानकर्ता और आंकड़ों में घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब कोई राजनीति शास्त्री सिद्धांत निर्माण के लिए तथ्यों को एकत्रित करता है और अब जब उनका विश्लेषण करता है तो वस्तुतः उसके विचारों का प्रभाव उसके अध्ययन पर जरूर पड़ता है। इसी तरह से मूल्य निरपेक्षता से राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में सफलता नहीं मिली, क्योंकि जब हम सिर्फ तथ्यों का आकलन करेंगे, तथ्य एकत्रित करेंगे, उनकी सारणियां बनाएंगे, उनको ग्राफ में बदलेंगे और हम एक तरह से विश्लेषण करके सिद्धांत का निर्माण करने लग जाएंगे, तो हम दार्शनिकता और कल्पना वादिता का जब हम सहारा नहीं लेंगे तो हम एक अच्छे सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि तथ्य और आंकड़े तो अपने आप में एक चीज़ है, लेकिन हमको उनका उपयोग सिद्धांत निर्माण में करना चाहिए। वो स्वयं लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो एक लक्ष्य की प्राप्ति में साधन है। इसी तरह से ईसिया बर्लिन का मानना है कि व्यवहारवाद ने मूल्यों के महत्व को समाप्त करके राजनीति के अध्ययन को बहुत ठेस पहुंचाई है। सभी राजनीतिक विषयों का अध्ययन व्यवहारवादी तरीके से नहीं किया जा सकता है। व्यवहारवादी तरीका एक वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक प्रणाली से अध्ययन करने का तरीका होता है, लेकिन फिर भी हमें उस तरीके के साथ साथ कल्पनावादी और दार्शनिक तथ्यों को भी और पर्यवेक्षण जैसे तथ्यों को भी शामिल करना पड़ता है। जब हम पर्यवेक्षण करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का वैसे ही आभास हो जाता है। इसी तरह से हमको दार्शनिक, हमें अगर अध्ययन करना है, अगर अच्छे सिद्धांतों का निर्माण करना है, तो हमें उस सिद्धांत के इतिहास में भी जाना पड़ेगा, यानी ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य है उसको भी देखना पड़ेगा। कल्पनावादी, दार्शनिक, पर्यवेक्षण, इन अध्ययन पद्धतियों को हम नकार नहीं सकते हैं। इसलिए इस यह बर्लिन का कहना था कि इसको नकारने के कारण जो राजनीति विज्ञान है उसमें जो व्यवहारवादी शुद्ध परिप्रेक्ष्य को अपनाया गया, मूल्य निरपेक्षता को अपनाया गया, उसने राजनीति विज्ञान का नुकसान ही किया।
और उन्होंने ये माना कि अब जो है वो परंपरावादी पद्धतियों और सिद्धांतों का पुनरुद्भव हो रहा है, क्योंकि ये स्वीकार कर लिया गया है। व्यवहारवादियों ने भी एक तरह से उत्तर व्यवहारवादी स्थिति में प्रवेश कर लिया है, उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया। स्वयं डेविड ईस्टन ने भी ये स्वीकार किया कि परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांतों की जो पद्धतियाँ हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म करके हम सिर्फ व्यवहारवादी सिद्धांत पद्धतियों के आधार पर हम सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए और व्यवहार में भी यह सिद्ध हो गया कि अनुभववादी रचनाएं अधिक उपयोगी और उच्च स्तरीय साबित नहीं हुई। आज भी हम पुराने तरीके के जो सर्वमान्य सिद्धांत थे उन सिद्धांतों का निर्माण अनुभववादी बहुत मेहनत करके भी नहीं बना पाए। और उन्होंने कहा कि मूल्यों एवं तर्क और बुद्धि की उपस्थिति में सिद्धांत निर्माण हो ही नहीं सकता है। मूल्यों एवं तर्क बुद्धि की अनुपस्थिति में सिद्धांत निर्माण हो ही नहीं सकता है। जब तक कि हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं, लेकिन जब हम उसको बुद्धि की कसौटी पर नहीं कसते हैं, हम तर्क की कसौटी पर नहीं कसते हैं, तब तक हम सिद्धांत निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब अगर अच्छे सिद्धांतों का निर्माण करना है, उपयोगी सिद्धांतों का निर्माण करना है, समाज की समस्याओं को निदान करने के लिए अगर हमें राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना है, तो हमें परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान दोनों की अध्ययन पद्धतियों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर खरा करके हमें सिद्धांत निर्माण करना चाहिए। और ये अब इस चीज को स्वीकार किया गया है, और इसलिए अब राजनीतिक सिद्धांत का पुनः पुनरोदय हुआ है, क्योंकि तर्क ही वास्तविकता नहीं होती है, बल्कि साथ में हमें मूल्यों को भी और दार्शनिक तत्व का भी समावेश करना चाहिए। ब्लोंडेल ने भी बर्लिन की तरह ही परंपरावादी सिद्धांत का समर्थन किया, और साथ में उन्होंने व्यवहारवादी राजनीतिक जो सिद्धांत थे उनका भी उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो तथ्य समाज से में क्या हो रहा है उन सबको लेकर एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए उन तथ्यों में सच्चाई होती है। इसलिए जो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत हैं उनके साथ साथ आनुभाविक राजनीतिक सिद्धांतों का अगर समावेश करके दोनों का मेलजोल किया जाए तो नए सिद्धांतों का निर्माण हो सकता है, उपयोगी सिद्धांतों का निर्माण हो सकता है। और उनकी इस कल्पना ने इस आशा को बल दिया कि राजनीति विज्ञान में भी एक अच्छे सिद्धांत का निर्माण हो सकता है। उन्होंने जॉन रॉल्स का उदाहरण दिया जिन्होंने न्याय सिद्धांत बन दिया, और न्याय सिद्धांत जो है न्याय अपने आप में ही एक दर्शन है, अपने आप में ही एक अच्छे समाज की कल्पना के लिए बनाया हुआ शब्द है। और जो न्याय सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया वो वर्तमान समय में दिया गया, इसलिए वो दोनों पद्धतियों का एक अच्छा समावेश है। इसका मतलब यह है कि राजनीति विज्ञान में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण भी किया जा सकता है, और उसमें जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत हैं उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करके एक नए अच्छे सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है। इसी तरह से लियो स्ट्रॉस ने भी परंपरावादी सिद्धांतों में निहित कल्पनालोक की दार्शनिकता की बहुत प्रशंसा की, और उसे पुनर्स्थापित करने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि दार्शनिकता का राजनीतिक मूल्यांकन से गहरा संबंध होता है। जब हम तथ्यों को एकत्रित कर लेते हैं तो मूल्यांकन करने के लिए हमको दर्शन का सहारा लेना ही पड़ता है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है, बल्कि एक नवीन रूप में इसका पुनरुदय हुआ है। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।